दोस्तों YouTube पे एक चैनल है संदीप महेश्वरी करके, उनके चैनल पे 20 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। वो एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं जो कि काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी अच्छे अच्छे वीडियोस बनाते हैं, लोगों को मोटिवेट करते हैं। और मैं उन्हें एक बड़े भाई की तरह मानता हूँ क्योंकि वो मुझसे काफ़ी बड़े हैं। और मैं उन्हें एक सलाह देना चाहता हूँ क्योंकि उनके साथ एक प्रॉब्लम है, YouTube। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आपका पूरा कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा। पहले क्या होता था कि जब कोई बंदा नया YouTube चैनल स्टार्ट करता था तो उसे 1000 सब्सक्राइबर्स और 4000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट करना होता था, तब जाके उसका चैनल मोनेटाइज होता था। आप इसे आम भाषा में कह सकते हैं कि पैसे कमाने का जरिया बनता था YouTube। मतलब 1000 सब्सक्राइबर्स और 4000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट करने के बाद आपका चैनल मोनेटाइजेशन के लिए एलिजिबल था, यानी पैसे कमाने के लिए। हालांकि अभी भी वही पॉलिसी है, बस YouTube ने थोड़ा सा चेंज कर दिया है। पहले क्या था कि जब तक आपका 1000 सब्सक्राइबर्स और 4000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट नहीं होते थे, तब तक आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होता था, यानी आपके चैनल पे एड्स नहीं दिखाए जाते थे। लेकिन अब क्या है कि जैसे मान लीजिए अभी आपने नया चैनल स्टार्ट किया तो आपके चैनल पे एड्स दिखाए जाएंगे, लेकिन आपके चैनल पे जो भी एड्स रन होंगे, यानी आपके चैनल पे जितने भी वीडियोस हैं उन वीडियोस में एड दिखाए जाएंगे, उससे आपको 1 रुपये की भी कमाई नहीं होगी। क्यों? क्योंकि सारा पैसा YouTube खुद रखेगा। और जब आप 1000 सब्सक्राइबर्स और 4000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट कर लेते हैं, तब जाके आपका चैनल मोनेटाइज होगा, यानी आप उस चैनल से पैसे कमा पाएंगे। दोस्तों 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करना थोड़ा टफ होता है, लेकिन 4000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट करने में लोगों की हालत खराब हो जाती है। लेकिन मैं इस चीज़ में विश्वास रखता हूँ कि इंसान अगर ठान ले तो वो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी बन सकता है। खैर मैं मुद्दे की बात करता हूँ। मुद्दे की बात ये है कि संदीप भाई का जो चैनल है वो मोनेटाइज नहीं है। हालांकि उनका चैनल कब का मोनेटाइजेशन के लिए एलिजिबल था, फिर भी उन्होंने अपने चैनल को मोनेटाइजेशन का जो ऑप्शन होता है उसको बंद करके रखा है, यानी उनको यूट्यूब से पैसे नहीं चाहिए। आपने नोटिस किया होगा कि उनके वीडियोज़ में एड्स नहीं दिखाए जाते हैं। उनका कहना है कि अगर मैं अभी अपने चैनल को मोनेटाइज करूंगा तो उससे लाखों रुपए की अर्निंग हो जाएगी, लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूंगा क्योंकि मेरे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में एड्स आएंगे जिससे लोग उससे डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। क्योंकि मैंने ये प्लेज लिया था आज से 8 साल पहले कि मैं जिंदगी में कभी भी अपने इस काम के लिए किसी से भी 1 रुपये नहीं लूंगा, ना डायरेक्टली ना इनडायरेक्टली। तो अभी तक इनका नॉन प्रॉफिटेबल चैनल रहा है पूरे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि इनके वीडियोस में एड्स नहीं दिखाए जाते हैं। लेकिन YouTube ने नया रूल लाया है 1 जून से। रूल ये है कि YouTube पे, पूरे YouTube प्लेटफॉर्म पे जितने भी वीडियोस अपलोड किए जाएंगे उन सभी वीडियोस पे एड्स दिखेगा, क्योंकि इनके वीडियोस में एड्स नहीं दिखाए जाते हैं। जिसका चैनल मोनेटाइज है नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता, सभी के वीडियोस में एड्स दिखाए जाएंगे। जिसका मोनेटाइज है उसे पैसे मिलेंगे, जिसका नहीं है उसका पैसा YouTube खुद रखेगा। लेकिन संदीप भाई को तकलीफ इस बात से है कि उनके भी चैनल पे एड्स दिखाए जाएंगे, जो कि वो हरगिज नहीं चाहते हैं। इसलिए उन्होंने एक ओपन लेटर पोस्ट किया है YouTube को, जिसमें ये कह रहे हैं कि हम YouTube को बहुत प्यार करते हैं लेकिन एड्स से हमें हेट है, सख्त नफरत है, क्योंकि एड्स से हमारे ऑडियंस को डिस्ट्रैक्शन होती है। ओवरऑल वो ये कहना चाहते हैं कि मेरे चैनल पे एड्स नहीं दिखाई देनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि YouTube का जो रूल है वो सबके लिए है। लेकिन संदीप भाई कह रहे हैं कि YouTube प्रीमियम का जो फैसिलिटी मिलता है कि अगर आप YouTube प्रीमियम पैक परचेस कर लेते हैं तो आपको एड्स नहीं दिखेगा, लेकिन ये जो फैसिलिटी है ये ऑडियंस के लिए है, यानी लोगों के लिए है, क्रिएटर के लिए नहीं है जो YouTube चैनल चलाते हैं। जैसे आप YouTube पे वीडियोस देखते हैं तो आपको एड्स दिखाई देता है, अगर आप एड्स नहीं देखना चाहते हैं तो आप YouTube प्रीमियम पैक परचेस कर लेते हैं तो आपको एड्स नहीं दिखेगा, बशर्ते आपको पैक परचेस करने के लिए मंथली कुछ पे करना होता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि YouTube प्रीमियम का जो फैसिलिटी है वो ऑडियंस के लिए है, यानी लोगों के लिए है, क्रिएटर के लिए नहीं है। लेकिन संदीप भाई ये भी कह रहे हैं कि अगर आपको क्रिएटर से पैसा कमाना ही है, यानी यूट्यूबर से पैसा कमाना ही है, तो आप कोई ऐसा रूल बना दें जिससे क्रिएटर पे करें एडवर्टाइजमेंट नहीं दिखाने के लिए। अगर ऐसा रूल होगा तो मैं पर मंथ पे करने के लिए तैयार हूँ। हालांकि संदीप भाई की सोच काफ़ी अच्छी है और वो ये भी कहते हैं कि कोई मुझे पागल या बेवकूफ कहे उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। खैर मैं YouTube से यही रिक्वेस्ट करता हूं कि पहले जो रूल था उसी रूल को फिर से लागू किया जाए। अगर लागू हो गई तो ये हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात होगी। लेकिन संदीप भाई को मैं एक एडवाइस देना चाहता हूं कि अगर YouTube अपना रूल बदल लेता है तो भी ठीक है, अगर नहीं बदलता है तो भी मेरी ये सलाह मान सकते हैं। मेरी सलाह ये है कि आप अपने चैनल का मोनेटाइजेशन ऑन करें जिससे आपके चैनल पर जितनी भी एड्स दिखाए जाएंगे, ओवरऑल आपके चैनल पे जो भी कमाई होगी उस पैसे से आप गरीबों की मदद कर सकते हैं, आप ट्रस्ट में दे सकते हैं। और जिन लोगों को ऐड से बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन होती है, बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बेशन होती है, तो आप उन्हें वीडियो को डाउनलोड करके देखने के लिए रेकमेंड कर सकते हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि ऐड से जो डिस्ट्रैक्शन हुई उसे कैसे मैनेज किया जाए।
तो जैसे वीडियो में ऐड चली, अगर स्किपेबल है तो ठीक है, अगर नहीं है तो ऐड खत्म होने के बाद वीडियो को 10 सेकंड पीछे करके देखें तो आपका जो ब्रेन है वो रिकॉल करेगा, यानी आपको सारी बातें याद आ जाएंगी। तो ओवरऑल आपके वीडियो में जितनी भी एड्स चलेंगे, जितने भी रेवेन्यू जनरेट होंगे, यानी जो भी कमाई होगी, वो सारा पैसा आप गरीबों की मदद के लिए दे सकते हैं। तो कैसा लगा आपको मेरा ये एडवाइस? अगर अच्छा लगा तो अभी कमेंट करें गुड एडवाइस फॉर संदीप महेश्वरी, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि YouTube अपना रूल बदल लें। अगर YouTube अपना रूल नहीं बदलता है तो संदीप भाई को चाहिए कि मेरी बातों पर गौर करें, इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से हमारे इस टेक्निकल मेधावी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करें ताकि आगे भी ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज आप तक पहुंच सके। कोई भी सवाल या सुझाव है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, मैं जल्द से जल्द रिस्पॉन्ड करने की कोशिश करूंगा। तो मैं मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।